हम आखिरी सांस तक यार तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी और ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की उर्दू लिरिक्स वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की एडिटिंग आप भी कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाते हैं। तो इस तरह की एडिटिंग के लिए आपको चाहिए वी एन ऐप आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल के अंदर, होगा तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक कर अपनी गैलरी में आ जाना है। तो गैलरी में आने के बाद आपने अपनी गैलरी में से कोई भी इस तरह की वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने आपके सामने इस तरह की एक वीडियो ली है। तो इस तरह की वीडियोस आपको ड्रामा वगैरह के अंदर से क्लिप ही निकालने पड़ते हैं, उसके बाद इसकी कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है अलाइन मोशन ऐप के अंदर। तो ये वाली XML फाइल जो भी होती है इस तरह की फाइल्स, वो पेड के अंदर होती है। अगर आप लेना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ आना है VNF के आखिर पे और वाटर मार्क को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने क्लिक करना है जहाँ से आपने PIP के ऑप्शन पे वीडियोज़ एंड फोटोज़ के ऊपर आकर जहाँ से अपनी गैलरी में आ जाना है, और आपने इस तरह से आपको एक लेवल सब कुछ मिल जाएगा, तो आपने इसको ऐड कर लेना है। इस तरह से ऐड करने के बाद इसको अपनी हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है जहाँ आप एडजस्ट करना चाहें। उसके बाद आपने इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद आपने करना क्या है, इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर आप अपनी फ़ोटो या वीडियो के कलर ग्रेडिंग करना चाहें तो आप जहाँ से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इतने अच्छे फ़िल्टर नहीं होते, तो जो आप अलाइट मोशन ऐप के अंदर एडिटिंग करते हैं वो काफ़ी अच्छे फिल्टर होते हैं। उसके बाद आपने टैब टू सब टाइटल के ऊपर क्लिक कर यहाँ से न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड के अंदर अपने लिरिक्स लिख कर रख लेने हैं, जैसे कि मैंने लिख कर रख लेता हूँ। उसके बाद एफ के ऑप्शन पर आके जहाँ से जमील नूरी, यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छा सा फ़ोन को सिलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगे और आपकी वीडियो के ऊपर भी सूट करें। तो जैसा कि जहाँ हमारे पास काफ़ी फ़ॉन्ट भी पड़े हुए हैं, तो मैं जहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छे सा फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जहाँ से हम जमील नूरी या उसके अलावा कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये वाला भी अच्छा है। तो अगर ये करना चाहें ये भी कर लें, ये वाला भी अच्छा है ये वाला कर लें। उसके बाद कलर के ऊपर आकर कलर आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना है जिस कलर के अंदर आप बनाना चाह रहे हैं। तो मैं जहाँ से वाइट कलर के ऊपर बनाऊँगा, बॉर्डर के ऊपर आकर आपने ब्लैक का नहीं, आपने इसको वाइट का थोड़ा सा बॉर्डर दे देना है। इस तरह से अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो इसको रहने दें। शेडो के ऊपर आकर शेडो देना चाहें दे लें, अगर नहीं देना चाहें तो आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद थोड़ा सा आगे आएँ, ए के ऊपर आकर इसको बोल्ड करना चाहें तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, तो वो करना चाहें तो आप जहाँ से वो कर दें। उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ आगे आएंगे तो जहाँ से लेटर स्पेस आपने इसकी थोड़ी सी कम कर देनी है कि आपके लिरिक्स साथ साथ नज़र आएँ। तो उसके बाद आप फ़ोन आप अपनी मर्ज़ी से, मैंने पहले भी बोला है, अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ से ये वाला फ़ोन अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा सा साथ साथ कर देते हैं इस तरह से। तो इतना करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है, जितनी आपकी वीडियो होगी उसके साथ आपने इसको मैच कर देना है। उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा और कम कर लेना है और अपने लेवल के अंदर एडजस्ट करना है। तो लेवल के अंदर आपने इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद जहाँ एनिमेशन के ऊपर आकर जहाँ से एनिमेशन आप अपनी मर्जी से लगा लें, तो यहाँ से काफ़ी आपको एनिमेशन मिल जाती है। ऑटो एनिमेशन के ऊपर आकर अपनी मर्जी से लगा लें, फेड लगा लें अपनी मर्जी से लगा लें, जो भी आपको अच्छी लगती है। तो जहाँ से मैं फेड वाली लगा लेता हूँ आप अपने हिसाब से लगा लें। उसके बाद आपने करना क्या है, इसको प्ले कर सुनना है, जहाँ तक ये पहला लिरिक्स है वहाँ तक रख लेना। उसके बाद आपका सेकंड लिरिक्स कौन सा है तो आपने उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो सेकंड लिरिक्स मेरा फिर रिपीट हो रहा है, उसके बाद मैंने आगे सेपरेट कर लेना है। उसके बाद एडिट के ऊपर आना है, इस वाले टेक्स्ट को हमने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने अपना आगे वाला लिरिक्स ऐड करना है। आगे वाला लिरिक्स ऐड करने के बाद प्ले कर सुनेंगे, जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक रखेंगे। उसके बाद इसको भी कट कर देंगे, कट करने के बाद इसको रिमूव कर देंगे। ईजिली आपने ये वाला स्टेप को रिपीट कर लेना है, तो ईजिली आपकी वीडियो बन जाएगी। तो जैसा कि इस तरह से ये हो जाएगा, तो जहाँ तक ये हमारा लिरिक्स थोड़ा सा छोटा है तो जहाँ तक रखेंगे, और एडिट के ऊपर आकर आगे वाला लिरिक्स ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से आपने अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेने हैं ईजिली।
तो जैसा कि मेरे जहाँ तक लिरिक्स आ रहे हैं तो उससे आगे हमारा म्यूज़िक है, तो जहाँ एडिट के ऊपर आकर क्लिक करने के बाद जहाँ से आप इंग्लिश के अंदर भी अपना नेम लिख सकते हैं, तो उर्दू के अंदर भी आप जहाँ से करना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, इंग्लिश के अंदर लिखें या उर्दू के अंदर लिखें। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट लेना है। न्यू टेक्स्ट लेने के बाद आपने इंग्लिश के अंदर अपना नेम लिखना है, जैसा कि मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ब्ला राइट्स लिख लें या जो भी लिख लें, तो यहाँ से अस्टैटिक लिख लेता हूँ। तो आप जो भी लिख लें आपकी मर्ज़ी, यहाँ से राइट ही लिख लेते हैं, आजकल राइट ही ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ से ये लिखने के बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने यहाँ एफ़ के ऊपर आ जाना है, जहाँ से फ़ॉन्ट कोई भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें, जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है। इसके अंदर काफ़ी आपको फ्री के अंदर भी मिल जाते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ आपको बाय भी करने पड़ते हैं, अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसा कि ये वाला फ़ोन भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना चाहें, तो वो लगा लें। उसके बाद यहाँ से आकर इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना है, कम करने के बाद इसको आपने इस तरह से नीचे रख देना है अपने लेवल के, एडजस्ट कर देनी है। तो लेवल के नीचे हम एडजस्ट कर देते हैं ऐसे। एडजस्ट करने के बाद आपने करना क्या है, ओके करना है। ओके करने के बाद इसको खींच कर वीडियो के आखिर तक ले जाना है, जितनी आपकी वीडियो होगी। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से फिर दोबारा से ले लेनी है, जहाँ से भी आप इमोजी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पड़ी हुई है तो आप इमोजीज अपने पीएनजी भी ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ से मैं पीएनजी इमोजीज ऐड कर लेता हूँ, कोई मेरे पास पड़ी होगी तो वो आपको अप्लाई कर चेक करवाता हूँ। तो आपके पास कोई भी हो तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाली मेरे पास पड़ी थी, मैंने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर लें अपने हिसाब से, उसके साथ आपने इसको इस तरह से ऊपर इसके लेवल का एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद जाए एनिमेशन के ऊपर आकर, लूप एनिमेशन के ऊपर आकर जहाँ से ब्लिंक वाली लगा लें, ब्लिंक लगाएं। ब्लिंक वाली लगाने के बाद इसको खींच कर वीडियो के आँख तक ले जाएं। वीडियो के आँख तक ले जाने के बाद आपकी वीडियो कमाल की बनकर तैयार हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कमाल की आपकी वीडियो बन गई है। उसके बाद आपने जहाँ क्लिक करना है, यहाँ से वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है, तो गैलरी में से आपको कुछ आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आपने वो वाली वीडियो ऐड कर लेनी है। सॉरी, जहाँ से मैं वीडियो वो फाइंड कर कर ऐड कर लेता हूँ पीआईपी के ऊपर आकर, तो काफ़ी मेरे पास वीडियोस वगैरह पड़ी होती है, वो आगे पीछे हो जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद मेरे पास होगी तो मैं वो वाली स्नो वाली ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से ऐड करने के बाद आपने इसका सबसे पहले म्यूज़िक को ऑफ़ करना है। म्यूज़िक आपने इस ब्लैक स्क्रीन का ऑफ़ करने के बाद इसको जूम कर देना है। जूम करने के बाद थोड़ा सा आगे आना है, जहाँ से आपको मिल जाता है ब्लेंडिंग का ऑप्शन, जहाँ से आपने इसको कर देना है लाइट इन कर दें या स्क्रीन कर दें, दोनों में से चेक कर लें जिसके ऊपर आपको अच्छा लग रहा है वहाँ कर दें। उसके बाद फिल्टर के ऊपर आकर, एडजस्ट के ऊपर आकर आपने इसकी ब्राइटनेस को 100 कर दें। 100 करने के बाद ये क्लियर आपकी फ़ोटो या वीडियो के ऊपर क्लियर नज़र आएंगे। जितनी आपकी वीडियो होगी आपने उस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपने ऊपर सेव के ऊपर आ जाना है, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा लोग कह रहे हैं बिलाल भाई हम इसको 4K के अंदर कैसे एक्सपोर्ट करें, तो आप वो ये 720 के ऊपर होगा तो आपने इस लाइन को पकड़ कर 4K के ऊपर एडजस्ट कर देना है, और नीचे वाली भी तीनों लाइन को 4K के ऊपर कर देना है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये आपकी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।